इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों गलत ठहराई जा रही है इसको? हड़ताल घोषित, देखिए जो चीज़ गलत है इसीलिए हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं। जो लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से, हमको केंद्र सरकार पे हिट करना चाहिए। हमारी लड़ाई प्रदेश सरकार से जो हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है उसकी थी, उसमें वो भी शामिल थी। जब चीफ सेक्रेटरी ने हमसे कह दिया कि इस मुद्दे को हम आपका परिश्रेषण करेंगे और केंद्र सरकार जो भी करेगी वो हम आपका कर देंगे, तो हमारी लड़ाई तो सीधे केंद्र से है। केंद्र में हमारा राष्ट्रीय लेवल पर इंसफ लड़ रहा है, हम लोग सब लोग मिल के वहाँ पर लड़ रहे हैं। हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी से वार्ताएँ हो चुकी हैं, पेंशन के मुद्दे पे और जो मुख्य मुद्दे हैं वहाँ पे, उन पे सब पे वार्ता हुई है और वो सुधार की नीति लागू करने की कोशिश हो रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसी व्यवस्था वो देने के लिए कह रहे हैं। तो जब तक हमें ये है कि ये चीज़ मिलनी है तो हम गलत रास्ते पर क्यों जाएँ? एक मुद्दे पर जो है ये हड़ताल की गई, इतना हुजूम इकट्ठा किया गया और इतने लोगों को गलत दिया गया और अंत में निकल के ये आया कि ये मुद्दा केंद्र से ही सही होना है। तो हमें जब पहले से जो चीज़ पता है तो नेतृत्व का ये फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को गलत रास्ते पे न लें। हम सही लड़ाई लड़ेंगे और सही तरीके से अपने कार्य को पूरा कराएंगे, क्योंकि हम सरकार के साथ उनके विकास के कार्य। तो 3 दिवसीय हड़ताल घोषित की गई थी, मतलब सरासर आप गलत ठहरा रहे हैं। बिल्कुल गलत ठहराते हैं, इसलिए कि जो मुद्दा यहाँ का नहीं था दिल्ली में करना चाहिए था। दिल्ली में आप लड़िए, दिल्ली में लड़िए और हम लोगों से सहमति से लड़िए, पूरे साथ में लड़ेंगे। लेकिन इस तरह से थोड़ा है कि आप